नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्प ट्रैकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट यहाँ पे आपका घोषित हो चुका है। तो किस वेबसाइट पर रिजल्ट सबसे पहले आया सब कुछ यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ, और कैसे आप अपने रिजल्ट को अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और लाइक करने के बाद यहाँ पे आपको सब्सक्राइब लाल बटन दिखाई दे, इसको तुरंत दबा लीजिए। और दोस्तों दबाने के बगल में यहाँ पे आपको ये इस तरह से घंटी दिखाई दे रहा है, इसको प्रेस कर लीजिए। ये दबाने से आपको तमाम आगे चल के फायदा मिलेंगे, सरकारी नौकरी से रिलेटेड तमाम जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो कैसे आपको चेक करना किस वेबसाइट सबसे पहले आया है, तो यहाँ पे आपको जाना है गूगल में, यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है एमपी रिजल्ट nic.in 2018। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे और जो वेबसाइट आए उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए नीचे ये पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी इस तरह की एमपी रिजल्ट nic.in, इस पर आपको इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे भी बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा वेबसाइट, ये देखिए इस तरह से ओपन हो गई है, बड़ी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, ओके करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 10वां लिखा है, यहाँ पे लिखा है 12वीं, तो आप देखिए 2018 भी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है 14 मई। जिसपे जिसका रेट आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दिए, तो 10वीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 10वीं का ये दिखाई दे रहा है, आपको 10वीं का यहाँ पे रोल नंबर डालने के लिए बोल रहा है। तो आपको यहाँ तुरंत रोल नंबर डालना है और यहाँ पे तुरंत सबमिट कर देना, आपका रेट आपके सामने होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड मिलता है नया वीडियो, ख्याल रखिए, टेक केयर।